हेलो पोके फ्रेंड्स, ऐश के पास ऐसे बहुत सारे पोकेमोन हैं जो कि अपने फर्स्ट स्टेज पर हैं, और ऐसे बहुत सारे पोकेमोन जो कि अपने सेकंड स्टेज पर हैं, और ऐसे भी बहुत सारे पोकेमोन जो कि फुल्ली इवॉल्व हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐश के कुछ ऐसे पांच पोकेमोन के बारे में जो कि यार अपनी सेकेंड स्टेज पर हैं। और इस लिस्ट में मैं सिर्फ उन्हीं पोकेमोन को इंक्लूड करने वाला हूँ जिनका एक थर्ड इवोल्यूशन भी है। मतलब कि यार एक पोकेमोन का मेनली तीन इवोल्यूशन होता है, उनका फर्स्ट स्टेज, उनका सेकंड स्टेज और उनका थर्ड स्टेज। तो इस लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा पांच पोकेमोन जो कि अपने सेकंड स्टेज पर हैं और जिनका एक थर्ड स्टेज भी है, और जो पोकेमोन अपने फर्स्ट स्टेज से इवॉल्व होकर सेकंड स्टेज पर आए हैं मैं उनको ही सिर्फ इस लिस्ट में लेने वाला हूँ। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो पर जितना लाइक कर सकते हो जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो यारो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 5 पर आता है बोल्डोर। तो यार बोल्डोर एक रॉक टाइप पोकेमोन है और ये बिलोंग करता है यूनोवा रीजन से। तो ये विकसित होता है रॉग एंड रोला नाम के एक पोकेमोन से। तो यूनोवा रीजन में ऐश ने काफ़ी सारे पोकेमोन पकड़ लिए थे। तो यारो अगर ये पोकेमोन विकसित हो जाता तो ये ऐश के लिए काफ़ी अच्छा होता। तो यारो रॉग एंड रोला इसका फर्स्ट इवोल्यूशन है और बोल्डोर इसका सेकंड इवोल्यूशन है, यानी कि सेकंड स्टेज है। तो यारो जो इसका थर्ड स्टेज है वो है गीगालेथ। तो गीगालेथ को आते हैं कुछ ताकतवर मूव्स जैसे कि स्टोन एज, एक्सप्लोजन, हाइपर बीम और अर्थक्वेक। तो फिलहाल तो यार ऐश के पास बोल्डोर है जो कि अपने सेकंड स्टेज पर है। देखते हैं कभी वो फ्यूचर में उसे इवॉल्व करता है कि नहीं। इसीलिए यार बोल्डोर हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। तो नंबर 4 पर आती है ऐश की बेलीफ। ऐश की बेलीफ एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमोन है। जब ऐश ने इसे पकड़ा था तब ये अपने चिकोरिटा वाली फॉर्म में थी, और चिकोरिटा एक जूटो रीजन की स्टार्टर पोकेमोन भी है। तो बेलीफ का फर्स्ट स्टेज है चिकोरिटा, इसका सेकंड स्टेज है बेलीफ। तो फिलहाल तो बेलीफ अपने सेकंड स्टेज पर है, और इसका जो फाइनल स्टेज है यानी कि जो इसका थर्ड स्टेज है वह है मैगेनियम। तो यारो अगर मैं बात करूँ मैगेनियम के कुछ ताकत और मूव्स के बारे में तो उसे आते हैं सोलार बीम, बॉडी स्लैम, पेटल ब्लिजर्ड और पेटल डांस जैसे ताकतवर हमले। तो यारो अगर ऐश की बेलीफ मैगेनियम में विकसित हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन बन जाएगी ऐश की ग्रास टाइप पोकेमोन में। इसीलिए बेलीफ हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पर आती है। तो नंबर 3 पर आता है ऐश का क्विलावा। ऐश ने क्विलावा पकड़ा था इसकी सिंडाक्विल वाली फॉर्म में, यानी कि जब क्विलावा अपने सिंडाक्विल वाली फॉर्म में था, जब ये फर्स्ट स्टेज पर था, तब ऐश ने इसे पकड़ा था जूडो रीजन में। और सिंडाक्विल एक जूडो रीजन का स्टार्टर पोकेमोन भी है। तो यार सिंडाक्विल अपना रिटर्न करता है सिन्नो रीजन में, और सिन्नो रीजन में ये अपने सेकंड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि ये अपने सेकंड स्टेज में आ जाता है जो कि है क्विलावा। तो यार जो इसका फाइनल इवोल्यूशन है यानी कि जो इसका थर्ड स्टेज है वो है टाइफ्यूलूजन, और टाइफ्यूलूजन लुक्स वाइज भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है। तो यार टाइफ्यूलूजन सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर ऐश अपने क्विलावा को फुल्ली इवॉल्व कर ले तो टाइफ्यूलूजन उसका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन बन जाएगा फायर टाइप पोकेमोन में। तो यार अगर मैं बात करूँ कुछ उसके मूव्स की, टाइफ्यूलूजन के मूव्स की, तो उसे आता है थ्रैश, डबल एज, इरप्शन, इन्फर्नो और भी ताकत और हमले। इसीलिए क्विलावा हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। तो नंबर 2 पर आता है ऐश का पिगनाइट, एक फायर प्लस एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन। तो यार ये पोकेमोन तो लुक्स वाइज काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और इसका फर्स्ट स्टेज है टेपिक जो कि एक फायर टाइप पोकेमोन है, और वो एक यूनोवा रीजन का स्टार्टर पोकेमोन भी है। और ऐश ने इसे पकड़ा था टैपिक की फॉर्म में, बाद में फिर ये इवॉल्व हो जाता है पिगनाइट में, और पिगनाइट इसका सेकंड स्टेज है। तो यार जो इसका फाइनल स्टेज है यानी कि जो इसका थर्ड स्टेज है वो है एम्बोर, और एम्बोर भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन है। उसकी अगर मैं मूव्स की बात करूँ तो उसे आता है हेड स्मैश, टेक डाउन, रोल आउट और फोकस ब्लास्ट जैसे ताकतवर हमले। तो यार एम्बोर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, पर फिलहाल तो यार ये अपने पिगनाइट के फॉर्म में है यानी कि ये अपने सेकंड स्टेज में है, और ये ऐश का बहुत ही अच्छा फायर टाइप पोकेमोन है। इसलिए यार पिगनाइट हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। क्या पता यार फ्यूचर में कभी ऐश अपने पिगनाइट को इवॉल्व कर ले एम्बोर में। तो चलो यार अब बढ़ते हैं नंबर 1 की ओर। तो नंबर 1 पर जो पोकेमोन आता है उसे तो यार तुम सभी लोग जानते ही होंगे, वो ऐश का बेस्ट सेकंड स्टेज पोकेमोन है। और हाँ दोस्तों तुम लोग सही समझे, वो है पिकाचू।
पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन, एक माउस पोकेमॉन। इसे तो यार बच्चा बच्चा जानता होगा जो पोकेमॉन देखता होगा। तो यार इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो है पीचू, और ये पीचू से पिकाचू में विकसित होता है जब ये हैप्पी होता है, यानी कि ये हैप्पीनेस से इवॉल्व हो जाता है। तो यार फिलहाल तो पिकाचू अपने सेकंड स्टेज में है, और इसका जो फाइनल इवोल्यूशन है यानी कि जो इसका थर्ड स्टेज है वो है रायचू। और यार पिकाचू को रायचू में विकसित करने के लिए बस हमें एक थंडरस्टोन चाहिए। पर यार कोई भी ये नहीं चाहता होगा कि ऐश का पिकाचू विकसित हो रायचू में, क्योंकि यार हमें पिकाचू ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू रायचू। पर यार अगर पिकाचू विकसित हो जाए रायचू में तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर यार हम लोग नहीं चाहते कि यार ऐश का पिकाचू विकसित हो रायचू में, क्योंकि यार पिकाचू की बात अलग है ऐश की पिकाचू की। तो यार रायचू की अगर मैं कुछ मूव्स की बात करूँ, कुछ ताकतवर मूव्स की, तो उसे आता है थंडर पंच, इलेक्ट्रोवेव, थंडर और हाइपर बीम जैसे ताकतवर हमले। तो यार पिकाचू तो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है ऐश का। अगर वो रायचू में विकसित हो जाए तो वो क्या क्या कर सकता है? वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है अपने सेकंड स्टेज में, तो अगर वो एक बार फुल्ली इवॉल्व हो जाए अपने थर्ड स्टेज में आ जाए तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, आप खुद सोचो। तो यार आप लोग बताओ कि यार आपको कौन सा पोकेमॉन पसंद आया, और कौन सा पोकेमॉन आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो यारो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। I'm not ready.